नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सदीकी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में बिजली के बिल ना भरने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब बिजली विभाग ने अपना करोड़ों का बकाया वसूल करने के लिए ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारियां शुरू कर दी हैं जिन्होंने विभाग का बड़ा पैसा नकार लिया। क्या है विभाग की वो तैयारी, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब यूपी में बिजली का बिल न भरने वालों पर सीएम योगी का चाबुक चलने वाला है, क्योंकि सूबे की योगी सरकार ने अब बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, कोई बिजली खर्च करने के बाद उसके बिल का भुगतान ना करे तो उसे चोरी भी कहा जाएगा, और ऐसा उत्तर प्रदेश के नोएडा में लंबे वक्त से हो रहा है। लेकिन अब सूबे में बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं है। अब सरकार ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है, क्योंकि एक दो तीन या चार पाँच नहीं बल्कि नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में करीब 40,000 लोग ऐसे हैं जिन पर बिजली का बिल करोड़ों का बकाया है। सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगी कि 40,000 लोगों ने बिजली विभाग के 200 करोड़ डकार लिए। जी हाँ, इन पर करीब 200 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है, और बार बार इन उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने के बाद भी इन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया। आज तक कोई बिल जमा नहीं किया, जिस पर अब विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, और अपना पैसा वसूलने के लिए विभाग ने भुगतान न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी भी कर ली है। और अब बिजली विभाग ने ऐसे लोगों से अपना बकाया वसूलने के लिए उनके बिजली के कनेक्शन को ही काटने की मुहिम शुरू कर दी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विभाग ने बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई शुरू की, बल्कि पहले विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर बकायेदार उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए बकायदा नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से बिल जमा करने की अपील की गई। लेकिन इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए दबाए इन उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी, और अब ऐसे बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दरअसल जिले में 3.5 लाख बिजली उपभोक्ता है, इनमें सबसे ज्यादा घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ता है, इसके बाद संस्था, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता आते हैं। इन उपभोक्ताओं से ही बिजली निगम को हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लेकिन कोरोना काल के दौरान से ही इन उपभोक्ताओं पर निगम का बिल बकाया होता चला गया। विभाग के अधिकारियों ने कई बार बकायेदारों को कनेक्शन काटने की चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द बिल जमा करने की अपील की, लेकिन विभाग की चेतावनी को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, जिसके बाद विभाग को ये कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि विभाग अभी भी यही कह रहा है कि अगर कोई उपभोक्ता कनेक्शन कटने से पहले ही बिल जमा कर देता है तो उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। तो विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू तो कर दी गई, लेकिन क्या विभाग के इस कदम से 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।